दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो पर व्यूज़ बढ़ाना, व्यूज़ इंक्रीज करना, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना वीडियो का इम्प्रेशन बढ़ाना होगा। दोस्तों जब तक इम्प्रेशन नहीं बढ़ेगा तब तक आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है कि व्यूज़ अगर ज़्यादा आ जाएँ और इम्प्रेशन कम हो जाएँ, ऐसा कभी नहीं होता। जितना इम्प्रेशन यूट्यूब हमारी वीडियो को, हमारी वीडियो के थंबनेल को जितने लोगों तक उसको फैलाएगा, उतने ही व्यूज़ ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों बहुत से लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा आखिर इम्प्रेशन भाई होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आखिर इम्प्रेशन पहले यही जान लेते हैं कि होता क्या है। दोस्तों जैसे कि आप अपने यूट्यूब को ओपन करते हो, ठीक है, और उसको स्क्रॉल करते जाते हो, जिस तरीके से आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोज़ खुलकर आती रहती हैं और आप उस एक वीडियो को देख लेते हो, तो दोस्तों समझ लीजिए वो एक इम्प्रेशन वहाँ पर काउंट हो जाता है, ठीक है ना। एक वीडियो को, थंबनेल को आप देख लेते हो तो समझिए एक इम्प्रेशन आपका काउंट हो गया, और उस पर आप क्लिक करके अगर वीडियो देख लेते हैं तो समझिए कि व्यूज़ काउंट हो गया। तो दोस्तों यही होता इम्प्रेशन। दोस्तों मान लीजिए यूट्यूब ने आपकी वीडियो को 100 लोगों तक भेजा, 100 लोगों में से अगर जो है 20 लोगों ने भी उस वीडियो पर क्लिक किया, ठीक है, तो यूट्यूब अब उस वीडियो को 200 लोगों तक भेजेगा। तो दोस्तों इसे बोलते हैं इम्प्रेशन। जितना ज़्यादा यूट्यूब इम्प्रेशन भेजेगा उतने ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। दोस्तों अब दोस्तों इम्प्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, वैसे तो कई तरीके होते हैं इम्प्रेशन बढ़ाने के, लेकिन चलिए बात करते हैं डिटेल से। दोस्तों सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ेगा अपने ही चैनल पर। जब भी कभी आप अपना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो उसका एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। जिस टाइम भी आपको यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करनी हो, मान लीजिए सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे या रात 9 बजे, एक टाइम जो है सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जब भी पर डे वीडियो अपलोड करो तो उसी ही टाइम पर कीजिए। इससे क्या होगा, यूट्यूब आपकी उस वीडियो का इंप्रेशन और ज़्यादा भेजेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए एक आपने सुबह कर दी, कभी आपने शाम कर दी, कभी आपने दोपहर को कर दी और कभी आपने रात को कर दी। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो का इंप्रेशन काफ़ी कम हो जाएगा। इस चीज़ को आप अजमा कर देख लेना दोस्तों, कि मान लीजिए एक वीडियो आपने सुबह 9 बजे, ठीक है, अपलोड कर दी और डेली आप शाम को 6 बजे अपलोड कर रहे हो, तो दोस्तों आप उस 9 बजे वाली वीडियो का इंप्रेशन उस शाम 6 बजे वाली वीडियो से काफ़ी कम मिलेगा आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही काम करना होगा कि आपको अपनी वीडियो अपलोड करने का जो एक टाइम है उसे फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते आगे दोस्तों, दूसरा जो मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ कि आप सबसे पहले अपना कंटेंट जो है उसको चूज कर लीजिए। मिक्स कंटेंट मत बनाइए, कभी किसी चीज़ की वीडियो बना दी और कभी किसी चीज़, कभी टेक्निकल वीडियो बना दी और कभी फूड वाली बना दी, कभी ट्रेवल वाली बना दी और कभी आपने व्लॉग बना दिया। दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप एक कैटेगरी को मतलब कह लीजिए कि आप एक रास्ते को पकड़ लीजिए और बस मान लीजिए अब हमको उसी पर चलना। दोस्तों मान लीजिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपके शुरुआत में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ट्रैक को पकड़ लीजिए। जिस तरीके से रेल अपनी पटरी को छोड़कर नहीं चढ़ जाती ना कहीं भी, उसी तरीके से आप भी अपनी पटरी को मत छोड़िए, इधर उधर मत भटकिए, सिर्फ एक ही कंटेंट पर अपना काम करते रहिए, ठीक है। और दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको और तरीका भी। और दोस्तों एक काम और कीजिए, मान लीजिए आपने अपने चैनल पर 50 वीडियो अपलोड कर दी है लेकिन ज़्यादातर सभी वीडियो पर 10, 20, 30 व्यूज़ ही हैं, और बाकी एक आध वीडियो ऐसी भी होती है 50 में से जो काफ़ी अच्छा रन कर जाती है, जो 200, 300, 500 तक भी पहुंच जाती है, कोई कोई तो 1000 तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों अब आपको करना क्या, किस जिस वीडियो का भी अगर आपको इम्प्रेशन बढ़ाना है, मान लीजिए आपने आज वीडियो अपलोड की और आप चाहते हो कि उसका इम्प्रेशन बढ़ाना, तो जो वीडियो पर आपके अच्छे खासे व्यूज़ हैं, जिस पर रोज़ डेली 1, 2, 4, 5, 7 व्यूज़ डेली आते ही रहते हैं उस वीडियो पर, तो आप आज वाली वीडियो को उसकी एंड स्क्रीन में लगा दीजिए क्रोम ब्राउज़र में जाके। इससे क्या होगा, जो आपकी वीडियो पर रोज़ 2-4 व्यूज़ आते रहते हैं ना, और जो बंदे उसको फुल वॉच करते हैं एंड स्क्रीन पर पहुंचते हैं, तो आपकी जो आज की वीडियो उस पर लगी हुई है उस पर भी क्लिक करेंगे, उसको भी वॉच करेंगे, तो बढ़ाना आज की वीडियो का भी इंप्रेशन, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं और भी दो तरीके बता देता हूं, अगर इतने से भी अगर आपका काम नहीं चल रहा तो दो तरीके और जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी वीडियो को शेयर मत कीजिए, अपनी मोबाइल में 10-12 जीमेल आईडी बनाइए। जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करो उस जो फेक जीमेल आईडी आपने 10-12 बनाई है, उन जो वीडियो आपने अपलोड करी ना उसका टाइटल उन वाले आईडी पर जाकर सर्च कीजिए और अपनी उस वीडियो को कम से कम 10 जीमेल आईडी से दो बार
जो है सर्च करके और उन पर जो है फुल वॉच कीजिए, ठीक है। जब आप उसको फुल वॉच करोगे 10 आईडी से, तो आपके 20 व्यूज वहीं पर काउंट हो जाएंगे। उनको जो है वॉच करोगे ना, तो फुल एंड तक करना। यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि भाई इस वीडियो को 10-15-20 बंदों ने देखा कि भाई वीडियो में कुछ ना कुछ तो दम है। आपकी वीडियो का जो इंप्रेशन है यूट्यूब वहाँ काफ़ी बढ़ा देता है, ठीक है। और दोस्तों एक तरीका मैं और भी आपको बता सकता हूँ। दोस्तों जब भी आप नए क्रिएटर को आप देखते हो ना, तो मान लीजिए उसके 2-4 व्यूज आते हैं, भाई नया नया चैनल है और जो है 10-20-30 व्यूज आते हैं और एक आध ही कमेंट आता है। जब भी कोई उसे कमेंट करता तो भाई उसको क्लिक करके वो पढ़ने की बहुत ज़्यादा उसे बेसब्री रहती है। तो दोस्तों अगर आपने मान लीजिए एक वीडियो बनाई कि भाई YouTube पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो आप सबसे ऊपर स्क्रीन पर, मैं आपको स्क्रीन पर जो है चलकर बता देता हूँ ये प्रोसेस, आप शायद ऐसे ना समझ पाए। अपने YouTube के सर्च बार में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए YouTube पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, और 3 डॉट पर ऊपर जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए, और सबसे जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना ऑल टुडे, तो इस पर ऑल टुडे पर जाकर, ऑल टुडे पर जाकर जो है सर्च कर लीजिए। इस पर जो है सारे वही जो आज वीडियो ये जिन बंदों ने आज ये वीडियो अपलोड की है ना इस टॉपिक पर, वे सारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी, और उनको जाके क्लिक कीजिए, उसमें एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा कमेंट कर दीजिए, उसकी वीडियो को बेचारे का लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों वो आपकी जो है उस कमेंट को झट से तुरंत देखेगा थोड़ी बहुत देर बाद, और उसको इस बात की जो है जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ जाएगी जानने की कि भाई आखिर इस बंदे ने, कौन है ये बंदा इसने मेरे को कमेंट करा, चलो मैं इसको भी सर्च मार कर देख लेता हूँ। वो आपके चैनल पर आएगा, आपकी वीडियो देखेगा, आपको व्यूज़ भी, अगर उसे आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगेगा, आपके बोलने का तरीका और आपकी वीडियो काफ़ी उसको पसंद आएगी, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। लेकिन दोस्तों ये है 2 तरीके जो हैं, आप अगर उनसे काम नहीं चल रहा तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल मैं इनके 101% ये जो है काम जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही थे आज का तरीका, आप कैसे व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे इम्प्रेशन बढ़ा सकते हैं, कैसे चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इस चीज़ से आपको सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं, बोल देता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।